हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आई हूं जो आगे के वीडियोस को लेकर होंगे। आज हम ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे डे वाइज, ताकि आपको कभी भी चैनल पर आकर मुश्किल ना हो ये समझने में कि आज कौन सा वीडियो आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैंने कस्टमाइज़ किया है और इसको थोड़ा सा मैंने आपके अकॉर्डिंग सेट किया है। तो चलो पहले हम इसको ही देख लेते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले आज मैं यहाँ पर देखिए जो आपको दिख रहा है कि मंडे को हम स्पिरिचुअल मैसेजेस और एंजल मैसेजेस की वीडियोस देंगे। उसके बाद ट्यूसडे को होगी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। मंडे को मैंने इसलिए स्पिरिचुअल मैसेज लिया है, जैसे हम संडे को थक जाते हैं बहुत से काम के बाद, एक हमारे लिए एक ऐसा दिन होता है जब छुट्टी का दिन होता है और मंडे फिर से रीस्टार्ट होता है। तो रीस्टार्ट तो हमेशा स्पिरिचुअलिटी से करना चाहिए, रीस्टार्ट हमेशा भगवान से करना चाहिए। तो जैसे हम जिंदगी में हर रोज़ एक नया रीस्टार्ट करते हैं, तो मंडे को स्पिरिचुअल मैसेज होगा। उसके बाद ट्यूसडे को होगा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है आने वाले दिनों में, या आपको अलग अलग तरीके से मैं वीडियोस को थोड़ा टॉपिक चेंज करके ही दूंगी ताकि हमेशा आपको गाइडेंस मिलती रहे। वेडनेसडे का दिन होगा वीकली रीडिंग के लिए, जिसमें हम नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद होगा थर्सडे। थर्सडे जो दिन है वो करियर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, विष्णु भगवान का दिन है। माँ लक्ष्मी का दिन फ्राइडे मानते हैं, पर विष्णु भगवान का दिन हम मानते हैं थर्सडे को। और इंडियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी आती हैं। तो करियर रीडिंग मैं थर्सडे को करने वाली हूँ, तो इसलिए आप बने रहें। जब भी आपने करियर रीडिंग देखना हो तब आप थर्सडे को देख सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट लूंगी वीडियो फ्राइडे को, जो है वीनस का दिन, शुक्र ग्रह का दिन। लव रीडिंग्स होंगी, करंट फीलिंग होंगी, और लव रीडिंग में कुछ भी और नई नई चीजें लेकर आपके लिए आऊंगी, जिसमें आपको आपके पार्टनर के लिए बताया जाएगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं जो लव रीडिंग देखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं कि आप लव रीडिंग नहीं करते, तो अब ये हमारा रहेगा कि हर दिन आपको एक नया वीडियो मिले। सैटरडे को होगा भाग्य का दिन, कर्मा का दिन, डेस्टिनी का दिन, क्योंकि शनि भगवान जो है वो कर्म के अधिकारी माने गए हैं। कर्मों को लेकर शनि का नाम हमेशा सबसे पहले रहता है, तो सैटरडे का दिन होगा ये कर्मा से रिलेटेड वीडियोस के लिए, डेस्टिनी और भाग्य से रिलेटेड वीडियो के लिए। संडे का दिन होगा एनी टॉपिक, जो भी टॉपिक लगेगा कि हम इसमें कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो संडे एनी टॉपिक रहेगा। ये हमारा वीकली डिटेल जो कि आने वाली वीडियोस को लेकर है, तो आपको जो भी वीडियो देखना है आप उसे आराम से देख सकते हो, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए सोचा है, ताकि आप जब भी यहाँ पर आए चैनल पर तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं आप वो देखें। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप कस्टमाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही क्रिस्टल बने और क्रिस्टल आपको उसी के अकॉर्डिंग मिले, क्योंकि पता ही नहीं होता कि कैसे क्रिस्टल पहनने चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं गाइडेंस भी देती हूँ, साथ में रीडिंग्स भी छोटी छोटी होती हैं, उसमें रील्स में रीडिंग भी डाली जाती है ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने लिए कि कौन सी आपको चीज़ें चाहिए जो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हैं। अगली बात जो अब आपसे मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि इंस्टाग्राम पर जल्दी ही मैं आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए सेशंस देने वाली हूँ, तो जो लोग फॉलोअर्स होंगे उन्हीं को सेशन मिल सकता है। कुछ दिन रखे जाएंगे जो मैं आपको या तो यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर बता दूंगी या इंस्टाग्राम पे भी उसे शो कर दिया जाएगा कि आपकी पर्सनल रीडिंग, आपके एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर मैं आपको दूंगी। तो जो जो लोग उसे फॉलो करेंगे मैं उनको आंसर ज़रूर करूंगी, दिन आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए कस्टमाइज क्रिस्टल्स खरीद सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इससे आप लोगों को आपकी जो भी परेशानियां हैं उनसे राहत मिलेगी। हमारा मोटिव यही है
कि अगर परेशान है कोई तो उसको राहत मिले। देखिए पर्सनल रीडिंग्स तो मैं नहीं करती हूँ, पर आपके लिए ही, ताकि आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से आपके जवाब मिल सकें। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं पर्सनल रीडिंग करूँ, इसलिए कभी नहीं करती हूँ। तो आपको मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल ना करें, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं पर्सनली, या कोई एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम डे डिसाइड करेंगे और वहां पर ही आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि आपको फ्री में ही इसका जवाब मिलता है, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहां पर ही आप जो भी सवाल है करें, तो ज्यादा बेहतर है। ये नंबर तो सिर्फ और सिर्फ कोर्स के लिए है, जो टैरो सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि खुद अपनी रीडिंग्स करें, क्योंकि ये सबसे बेहतर तरीका है जब आप अपनी रीडिंग खुद लेते हो। क्योंकि जब आप खुद की रीडिंग खुद लेते हो, तो आप जान सकते हो और छोटे छोटे सवाल का जवाब, जो आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रहा है, आपकी एनर्जी स्टक है, ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है, तो वहां क्यों है, ये रीजंस क्या है, तो आप खुद से अपने सवालों का जवाब बहुत अच्छे से ले सकते हो। तो टैरो सीख भी सकते हैं। आपको मैं टैरो बहुत ही सिंपल तरीके से और सरल भाषा में सिखाऊंगी। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो टैरो सीखने के लिए, ना कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए। तो मुझे लगता है कि सारा कुछ सॉर्ट आउट है, सब समझ में आ गया है आपको। तो आज का दिन जो हमारा है वो है ट्यूसडे का दिन, सॉरी ट्यूसडे है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आज हम ये जानेंगे कि कैसा रहेगा आने वाला समय। मैं 15 डेज की रीडिंग लेने वाली हूँ प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। आज मैंने आपके लिए है यहाँ पर दो पेंसिल्स जो अलग अलग साइजेस की हैं, तो आपको जो पेंसिल अच्छी लगती है आप वो चूज कर सकते हो। क्रिस्टल्स मुझे बहुत पसंद हैं और ये जो पेंसिल्स हैं ये एनर्जी के फ्लो को बढ़ा देती हैं। तो अगर आप भी इनको चूज़ करना चाहें तो बिग वन है और ये स्मॉल वन है, जो भी आप चूज़ कर सकते हो। आपके पाइल्स इन्हीं के अकॉर्डिंग आज मैं लेने वाली हूँ, तो जो भी पसंद है आपको आप चूज़ करें, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पायल नंबर वन, अगर आपने इस पेंसिल को बिग वन को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग अब आपकी होने वाली है। यहाँ पर है आपके लिए बहुत ही प्यारे मैसेजेस। आंखें बंद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और मैं अभी आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो देखते हैं कि क्या है आपके लिए। शफलिंग की है मैंने आपके लिए, तो आंखों को बंद करके रखें और बेहतर तरीके से भगवान को याद करें। हमेशा भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई रीडिंग ले रहे हों। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ट, ओके। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड, उसके बाद है स्ट्रेंथ की एनर्जी, उसके बाद है नाइन ऑफ वॉन्ट्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, मैं दोनों ही लूंगी, क्योंकि जब आपके हाथ में दो मैसेजेस आ जाएं तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये है आपके लिए नाइन ऑफ कप और यहाँ पर है आपके लिए फोर ऑफ कप। कुछ और मैसेजेस भी लेते हैं, चलिए। यहाँ पर है सेवन ऑफ वॉन्ड, इनको मैं थोड़ा सेट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो पाल नंबर वन ये है आपकी एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज। आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे होंगे, क्या क्या आपको यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं, हर्डल्स हो सकती हैं, क्योंकि ये भी लाइफ का पार्ट है, साथ साथ ही चलता है, तो सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप। तो एक गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी अगले 15 दिन के अंदर। और यहाँ पर है फोर ऑफ कप, तो सबसे पहले पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। फोर ऑफ कप बताता है कि कुछ ऐसे एक्सेप्ट जो चीज़ें नहीं की थी आपने रिलेशनशिप को लेकर, वो अब आप एक्सेप्ट करेंगे इन 15 दिनों में। आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही थी, आपने काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को स्ट्रांग रखा, आपने बहुत कोशिश की अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने की। यहाँ पर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखा रहा है कि हर कोशिश आपने की अपने रिश्ते को बचाने के लिए, तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट अगले 15 दिन में आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको बहुत एक ऐसी फीलिंग होगी जो आपके लिए पेशेंस भरी होगी, आपको लगेगा जैसे आपने सब पा लिया है,
आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए भी सोचा था, तो ये अगले 15 दिन आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आपने जो भी कोशिश की थी वो ज़रूर पूरी होगी, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं और आपस में कोई तकरार चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप उसको ठीक करने के लिए प्रेयर्स कर रहे थे, आप विश मांग रहे थे भगवान से कि नवरात्रि में सब ठीक हो जाए, आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, अब तक ठीक हुआ नहीं हुआ ये मैं नहीं कह सकती, पर आने वाले 15 दिनों में डेफिनेटली आपके रिश्तों में सुधार आएगा। आपको लगेगा कि जो आपने सहा है वो गलत नहीं था, सही था बिल्कुल, और ये सुधार बहुत जल्द आने वाला है। तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि अगर आपने कुछ सहा है, अगर आपने खुद को स्ट्रांग रखा है, अगर आप खड़े रहे हैं अपने लिए, अगर आपने रिश्तों को लेकर स्टैंड लिया है, तो वो ऐसे ही नहीं जाएगा, आपको उसका आउटकम बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। तो इसलिए आप वरी बिल्कुल भी ना करें। तो आने वाले 15 दिन आपकी पर्सनल लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो फीमेल अपने आप को ऐसा महसूस करती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती है, वो उनके हस्बैंड या जो भी मेल पर्सन है उनके साथ वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, तो आपको भी यहाँ पर लगेगा कि जो आपने सहा है वो गलत नहीं था। आपने अपने परिवार को बचाया है इसकी वजह से कि आप खड़े रहे हैं, आपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ मुकाबला किया है रिश्तों को बचाने के लिए। आपके हस्बैंड या आपके पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग थे, वो आपसे गलत व्यवहार करते थे, गलत बोलते थे, पर उनकी जो नेचर है वो धीरे धीरे बदल जाएगी। आपको बहुत हर्ट मिला है पर आपने फिर भी खुद को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया, अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा बरकरार रखा। अपनी जो एक फेमिनिन नेचर होती है, एक केयर करने की, दूसरों का ध्यान रखने की, उसको कमज़ोरी नहीं बनने दिया, आपने हमेशा उसको अपनी ताकत बनाया है। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर फीमेल के लिए मैं कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे, आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पीस मिलेगा। आपको जो लोग, जो आपके पार्टनर या जिनसे आप कुछ एक्सपेक्ट करते थे, जो आपको प्यार नहीं करते थे, तो अब वो आपको ऑफ़र करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको खुद ऑफ़र करेंगे प्यार के लिए। और अब आप शायद थोड़ा सा ये कहें कि मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, तो ये फीमेल की एनर्जी रह सकती है। तो आप में से जो फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके पास आकर आपसे ये कहते हैं कि जो भी हुआ चलो छोड़ो भूल जाओ, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर एनर्जीज बहुत अच्छी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। तो अगर किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है अपने रिश्तों को, तो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपने इस रिश्ते को दिया है, समय दिया है, अपनी एफर्ट दी है, मेहनत दी है, आपने नर्चर किया है, उसको केयर किया है, प्यार किया है, तो एक्सेप्ट कर लें। आपने जो भी पीछे हुआ उसको भूल जाएं, क्योंकि पीछे की चीज़ों को भूल जाना और माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात होती है, कोई कोई ही कर सकता है इसको, तो आप ज़रूर करें अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैसेज कि आपको माफ़ कर देना है, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना, और अगर आपने स्टैंड लिया है तो ये दिन बदलेंगे और आपको ज़रूर एक आउटपुट, अच्छा आउटपुट मिलेगा। चलिए पहले मैं ये देखती हूँ साथ में कि क्या मैसेज है आपके लिए, आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, क्या वो आपको मैसेज देना चाहता है। कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से लेती हूँ। ओके, इट इज़ नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। ओके, ठीक है, यहाँ पर है लुक एट लाइफ थ्रू द विंडशील्ड नॉट द रियर व्यू मिरर। ओके, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल मैसेज है कि आपको हमेशा लाइफ के उस विंडशील्ड में देखना चाहिए। आप रियर व्यू से जो देख रहे हो, सामने से जो आपको दिखाई दे रहा है, वो शायद चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। अगर आपको विंडशील्ड से देखने का मौका मिलता है तो वहाँ से देखने की कोशिश करें। और यही मैसेज है आपके लिए कि इट्स नेवर टू लेट टू बी
वॉट यू माइट हैव बीन। तो कभी भी समय गुजरता नहीं है, हमेशा समय जो है वैसा ही रहता है और आप इसे बदल सकते हो। कभी भी लेट नहीं होता है कुछ भी। तो ये यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए। अगर आप सोचते हो कि अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो बहुत उम्र हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उम्र कभी नहीं बीतती। आप जब दिल करे अपनी एनर्जीज को बदल सकते हो, डेस्टिनी को बदल सकते हो। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी डाली है कि डेस्टिनी को बदला जा सकता है, क्या भाग्य को बदला जा सकता है। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली आप अपने भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। और कैसे चेंज कर सकते हो, यह आपके ही अंदर है। अब तो शक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैंने उसके लिए भी वीडियोज़ डाली हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं से पावर मिले, आपको कहीं ना कहीं से ये लगे कि वाकई में आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो आप डेफिनेटली इसको बदल लेंगे और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पर हो सकता है कि नाइट ऑफ वॉन्ट जो है वो काफ़ी क्विक एनर्जी है और इसके साथ है किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो ये बता रहा है मुझे कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल रहोगे, आपकी डिसीजंस अच्छे हो सकते हैं, पर आपको केयरफुल रहना है। डिसीजंस आप बहुत अच्छे लोगे, नो डाउट, आप हर काम में आगे 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 आपकी पावर दिखाने की कोशिश करोगे, पर क्विकली डिसीजन जो है वो गलत हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके लिए आपको स्टैंड लेना है। आप अगर डिसीजन ले रहे हो तो आपको पीछे नहीं हटना। आपने आज डिसीजन लिया और कल पीछे हट गए तो वो आपकी एनर्जी को डाउन करेगा और आपकी वर्थ भी कम कर देगा। तो इसलिए अगर आपने डिसीजन लिया है तो उस पर आप रहें कि आपने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक है और आप उसे करके दिखाएं। पावर दिखा रहे हो, ठीक है, डिसीजन ले रहे हो वो भी ठीक है, पर अगर आप उस पर कायम नहीं रहते हो, अगर आप उससे पीछे हट जाते हो, तो वहाँ पर फिर आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगी कि ये इंसान हमेशा ऐसे ही करता है। पहले डिसीजन लेगा, फिर वो फैसला करेगा और उसके बाद उसको करने की एक बार कोशिश की जाएगी, स्टार्ट किया जाएगा काम को, उसके बाद उसको छोड़ देगा। चलिए मैं आपके लिए कुछ करियर के लिए और भी कार्ड्स देखना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी एनर्जी को पूरी तरह से देख सकूँ कि क्या कह रही हैं आपकी एनर्जीज। यहाँ देखिए, जगलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, काम आपसे इतना ज़्यादा संभल नहीं रहा है। आपको लगता है कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा आप कर लेंगे, पर थोड़ा सा केयरफुल होना है। हालांकि जस्टिस होगा हर काम में, जो भी डिसीजन आप लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में, और आपको इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा आपको, पर आपको कायम रहना है। आपको अपने डिसीजन को छोड़ना नहीं कि एक बार ले लिया फिर छोड़ दिया। जगलिंग को दिल से, दिमाग से निकालें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये जगलिंग जो है ये आपको परेशान कर सकती है। आप बहुत सारे काम इकट्ठा कर लेंगे शुरू और फिर जगल करेंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है। फिर जस्टिस भी मिलेगा और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको कहीं बहुत ऊंचे पद पर बिठाया जा सकता है, प्रमोशंस हो सकती है नेक्स्ट 15 डेज में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ पर रिवॉर्ड का मुझे साइन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा उससे आप सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे। तो नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पर आपको, मैंने बार बार यही बात रिपीट की है कि आपको अपने डिसीजंस को कायम रखना है। जो भी आप डिसीजन लोगे उसके साथ आपको जस्टिस करना है, खुद के साथ जस्टिस करना है, और दूसरा आपको जगल नहीं करना। अपनी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करें। अगर काम बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा बांट दें, टीम में बांट दें, टीम के साथ मिलकर करेंगे तो हो सकता है आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स आएँ। तो मुझे इस तरह की एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए लग रही हैं। जो लोग भी यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ की देखने आए हैं रीडिंग, तो आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज जो है वो स्पेशल होंगे। कोई स्पेशल आपकी लाइफ में ऐसा डिसीजन लेने का मौका आ सकता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कुछ ऐसा बेहतर आ सकता है जो अभी तक तो नहीं मिला था। अभी आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे और बहुत देर से पेंडिंग था, तो अब वो टाइम, राइट टाइम है जब आप उस प्रोजेक्ट को कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं और आप मुझे अच्छे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो और राइट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। तो ये टाइम राइट डायरेक्शन का है, कोई एनर्जी ऐसी नहीं है जो किसी भी तरह से आपको स्ट्रक कर रही हो, बस स्टैंड लेने के लिए कहती है आपको। अपने डिसीजन से मुकरना नहीं है, स्टैंड लेना है खुद के लिए, पावर का इस्तेमाल सही ढंग से, सही तरीके से करना है,
काफ़ी इंटेलेक्चुअल रहोगे आप, काफ़ी आपके डिसीजंस अच्छे रहेंगे, आपके आइडियाज़ की लोग परवाह करेंगे, कद्र करेंगे और उनको फॉलो भी करेंगे। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं पाल नंबर वन। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत पहले ही मुबारकबाद मैं दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन हो सकती है और आपको जस्टिस भी मिल सकता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी वो हो जाएंगी नेक्स्ट 15 डेज में। तो आपके टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। पाइल नंबर वन आपकी रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं जिन्होंने इस स्मॉल पेंसिल को चूज़ किया है, क्या रहता है आपके लिए 15 दिन नेक्स्ट 15 डेज आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे रहेंगे, क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर कुछ एनर्जीज मैं अभी निकालूंगी आपके लिए। तो भगवान का नाम लें, एंजल्स का नाम लें और अपनी आंखें बंद रखें और थोड़ी देर के लिए ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि जब भी रीडिंग लो हमेशा ईश्वर को याद करके लो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और रेजोनेट भी होगी रीडिंग। तो चलिए आपके लिए एनर्जीज मैं निकालती हूँ। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एम्परर और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो ये है आपकी एनर्जीज पाइल नंबर 2। अगर आपने यहाँ पर इस रीडिंग को चूज़ किया है तो ये टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। जब भी आप यहाँ तक पहुँचो इसका मतलब है कि वहाँ से आपके 15 दिन ऐसे जाएंगे जो इस रीडिंग में आएगा। ये रीडिंग जो है वो सब लोगों के लिए जनरल होती है, तो सबके साथ रेजोनेट हो मैं ये नहीं कहती हूँ। तो आपको जो भी रीडिंग रेजोनेट हो आप उसे भी देख सकते हो, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रीडिंग होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो रेजोनेट नहीं भी कर सकती, तो इसलिए अपने माइंड को हमेशा ओपन रखें कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पर जो एनर्जीज हैं पहले मैं आपको उसका बता देती हूँ, उसके बाद कुछ और कार्ड्स भी लेंगे। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस की एनर्जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी जो चल रही है अभी, सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत परेशान हैं फाइनेंशली, बहुत जगलिंग भी चल रही है फाइनेंशली, काफ़ी परेशानी है। यहाँ पर मुझे फाइनेंशली ही परेशानी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी जो जगलिंग है उसमें कुछ क्लैरिटी आएगी। हो सकता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। आप बहुत सोच रहे हो, मन में बहुत आपके विचार चल रहे हैं, ये विचार जो हैं वो आपको सोने नहीं दे रहे। आपको लगता है कैसे सारा पैसा आएगा जो आपने कहीं लगाना है या जो आपको चाहिए, आपने लोन्स लिए हैं, आप उस लोन को उतार नहीं पा रहे हो जिसकी वजह से टेंशन में हो, आपकी पेमेंट कहीं से आनी है वो नहीं आ पा रही, आप जद्दोजहद में लगे हुए हो, परेशानी बहुत बड़ी है। मैं मानती हूँ परेशानी बहुत बड़ी है, पर आपको कुछ ना कुछ मौका ज़रूर मिलेगा कि आप उस परेशानी से निकल जाओगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, डेफिनेटली निकल जाओगे। यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि शांत लहरों की तरफ आप आगे बढ़ोगे। अपने मन की जो लहरें बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही हैं आपको, क्योंकि मन जो है वो पानी की तरह होता है, कभी कभी उसमें उथल पुथल होती है और कभी वो शांत हो जाता है। तो अभी ये समय जो है उथल पुथल का है, पर आने वाले समय में नेक्स्ट 15 डेज़ में कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा सारा मैटर। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से आप अपने फाइनेंसिस को इकट्ठा कर सकते हो, कहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। पर इसके लिए जस्टिस आपको मिलेगा, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको एम्परर की एनर्जी में रहना है। एम्परर की एनर्जी में कैसे? डिसिप्लिन रहना है आपको, अपने काम को बहुत ही अनुशासन के साथ करना है। जितना आप वो करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करेंगे, जो आपने सीखा है उसको ध्यान में रखेंगे, तो आप अपने फाइनेंसेस को राइट ट्रैक पर लेकर आ पाएंगे, आप सही तरीके से उसका यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर लग रहा है मुझे बहुत से लोग सिर्फ जगल कर रहे हो और उसको आपको पता नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, आपको पता नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जिसकी वजह से शायद आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। पर नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर सुधरेगा,
और आपको फाइनेंशियली बहुत पहले मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी पर फ्रीडम ज़रूर मिल जाएगी, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिल जाएगा कि आपको इस एनर्जी से बाहर आने का मौका मिलेगा। यहाँ तो आप काफ़ी स्टक हो, यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ आपके मन में यही विचार चले जा रहा है और सोने नहीं दे रहा आपको, नींद नहीं आ रही और मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो इस विचार से निकल जाओगे आप नेक्स्ट 15 डेज में, आपकी एनर्जीज जो हैं जो ब्लॉक हैं इस टाइम पर, तो कहीं ना कहीं आपको राहत मिल जाएगी। पर एक बात का ध्यान रखिए कि आपको इस जगलिंग से बाहर निकलने के लिए नेचर के साथ रहें थोड़ी देर, मनन करें, थोड़ा सा आप खुद को समझें कि आप कहाँ राइट ट्रैक पर क्या कर सकते हो, अपने साथ समय बिताएं और सोचें कि क्या ऐसी गलती आपसे हुई है या क्या फाइनेंशियली आप चीज़ें जो ठीक नहीं चल रही हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो खुद के साथ जब समय बिताओगे तो ज़रूर आपको इसका रिजल्ट जो है वो अच्छे तरीके से मिल जाएगा। चलिए मैं आपके लिए कुछ और एनर्जीज भी देखती हूँ कि क्या 15 डेज में आपके करियर को लेकर रह सकता है, उसके बाद आपकी पर्सनल रीडिंग की भी मैं बात करूँगी। तो यहाँ पर ये है, ओहो द टॉवर, ओके तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, फूल रिवर्स में, ओके यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल। तो आपको एक बात मैं कहूँ कि कोई भी स्टेप आप बिल्कुल भी सोचे समझे बिना नहीं लें, इसका भी ध्यान रखें। टॉवर की एनर्जी बता रही है कि कुछ बहुत बड़ा आपने इन्वेस्ट किया है, कुछ बहुत बड़ा आपने लोन लिया है जिसकी वजह से ये परेशानी आपके साथ चल रही है। तो फाइनेंशली अगर ऐसा कुछ किया है आपने तो बहुत ध्यान रखें और बहुत ध्यान से ही अपना कोई भी कदम आगे बढ़ाएं। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ध्यान से, अगर आप कहीं आगे और काम लेना चाहते हैं, कुछ और प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं तो भी केयरफुल होना है। 15 डेज आपको रिलीज ज़रूर करेंगे आपकी एनर्जीज को कुछ अगर आप स्टक हैं तो, पर आपको ध्यान भी रखना है, बिना ध्यान के तो कुछ नहीं किया जा सकता। और आपको इस एनर्जी से बाहर आने के लिए थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। जितना आप नेचर के साथ रहेंगे उतना काम रहेंगे, उतना आपका दिमाग चलेगा। और यहाँ पर क्राउन चक्रा बहुत ब्लॉक नज़र आ रहा है मुझे, तो आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है इस वक्त, तो आपको चाहिए कि आप किसी की सलाह के साथ काम करें। ये देखिए हैंग्ड मैन भी यही कह रहा है, सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि आप काफ़ी स्टक हो, काफ़ी स्टक हो, समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे में कभी भी आप गलत निर्णय ना लें, इसकी मैं ज़रूर आपसे बार बार आपको एडवाइस देने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, आपके घर में अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई ऐसा है जो आपको समझा सकता है या आपको कोई अच्छी राय दे सकता है, तो उसके पास चले जाएं, तब आप अच्छे से अपने चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अदरवाइज़ फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सारी एनर्जी स्टक नज़र आ रही है, क्राउन चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको क्या डिसीजन लें। पर आपको ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिल जाएगा, जो आपने किया है उसका आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगा, पर पेशेंस रखना पड़ेगा और काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी किसी की, तब हो पाएगा। आप अकेले नहीं कर पाएंगे। इन 15 दिनों में थोड़ी सी एनर्जी ब्लॉक नज़र आ रही है, तो अपनी एनर्जी ब्लॉकेज जो है उसको रिलीज करने की कोशिश करें, उसको क्राउन चक्रा पे वर्क करें ताकि आपको कुछ आराम मिले, आपको सोचने समझने की पावर मिले। तो ये है आपकी एनर्जी से इस तरह की मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनली भी आप काफ़ी ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे जस्टिस की डिमांड हो रही है। आप इस टाइम पर पर्सनली भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे हो, तो मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स भी ले रही हूँ यहाँ पर। ओके आज कार्ड्स रिवर्स क्यों आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, आज कार्ड्स इतने रिवर्स क्यों हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड, तो कुछ ऐसा धोखा हुआ है। ओके आज मैं रीडिंग, मुझे लगता है कि पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग जो है वो थोड़ी सी आपकी ब्लॉक एनर्जी को ज़्यादा ही मुझे ऐसा बताने के लिए बार बार मजबूर कर रही है। मैं बताना नहीं चाहती कि क्या नेगेटिव चल रहा है, तो रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव चल रहा है, किसी ने आपको ब्लॉक किया है, किसी ने धोखा दिया है। रिलेशनशिप में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपके पार्टनर से या आपके लव्ड वन से, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में आप नज़र आ रहे हो और बहुत किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, जैसे कहते हैं ना कि फ्रॉड कर देना, और उन्होंने आपसे बहुत सारी मैं ये कह सकती हूँ कि वादे किए आपसे,
आपको ये देंगे वो देंगे, आपके साथ कमिटमेंट करेंगे, आपको आपसे शादी करेंगे, पर उन्होंने आपसे कोई भी वादा जो है वो अभी तक निभाया नहीं है, जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हो। तो इस परेशानी से आप कब निकलोगे? अभी तो यही एनर्जीज हैं और आने वाले कुछ टाइम के लिए मुझे यही एनर्जीज दिख रही हैं। तो पर्सनली मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी ब्लॉक है एनर्जी। तो चलिए यहाँ पर थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, जाते जाते 15 डेज आपको देकर जाएंगे आपके लिए एक अच्छा मैसेज जो आपके रिश्तों को लेकर होगा। आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा और आपसे वो कहेंगे, देखिए ये कर्मा का कार्ड भी आ गया है, तो वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं 15 डेज जाते जाते वो आपको कहेंगे कि छोड़ो, सब भूल जाते हैं, दोबारा से फिर से शेयरिंग करते हैं प्यार की बातों की, और अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर आपसे बात करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे और उनको प्रॉमिस उन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये द व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। 15 डेज में से लास्ट जो 5 डेज हैं, लास्ट के डेज हैं, उसमें ये चीज़ होते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट एनर्जीज ही ऐसी दिख रही हैं कि वो आपसे आकर कहें कि शायद उनसे गलती हुई है, उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अब हम इस एनर्जी से बाहर आ जाते हैं और फिर से वही पुरानी चीज़ों को शुरू करते हैं, और फिर से हम एक दूसरे के साथ जो नयापन है वो दोबारा से शुरू करते हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए कुछ लाइफ लेसन भी आपके लिए लेती हूँ कि आपको रिश्तों में क्या करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो स्टक एनर्जीज हैं वो चाहे ठीक हो जाएंगी, वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे, फिर भी हम आपको गाइडेंस के लिए कहते हैं कि गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर है इट्स नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। ओके, तो आपको भी ये पायल नंबर 1 का भी यही मैसेज था कि कुछ भी देर नहीं होती है, आप मान लें इस बात को कि गलतियाँ हुई हैं, तो कभी भी देर किसी भी बात के लिए नहीं होती है। अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल बींग विद अ सिंगल स्टेप, आप बहुत लंबी जर्नी को एक सिंगल स्टेप में कवर कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है, अगर आप ये करना चाहो। तो रिश्तों में अगर गलतियाँ हुई हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो बहुत समय हो गया अलग रहते हुए, या सेपरेशन में, या अब तो बहुत समय हो गया उनसे बात किए हुए। तो कभी भी लंबा समय नहीं होता, किसी भी एज में नहीं होता, जब भी गलती हुई है कितना भी देर क्यों ना हो गई हो, आप माफ़ी मांग लें एक दूसरे से और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर लें। आप एक ही टाइम में एक प्यारे से शब्द के साथ पूरी जर्नी को कवर कर सकते हो, जो सेपरेशन की जर्नी है, जो अलग रहने की जर्नी है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो भी इसको कवर किया जा सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये भी दिखाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी कवर किया जा सकता है। तो कुछ भी जर्नी जो है वो 1,000 माइल्स की भी हो, आप बहुत जल्दी एक प्यारे से शब्द के साथ ही उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप उनसे माफ़ी मांग लेंगे या वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे, तो ये जर्नी ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। पर इसके लिए ईगो को पीछे रखना होता है और इसके लिए प्यार को आगे रखना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। अगर एक स्टेप ये वाला लिया गया तो लाइफ में कोई भी जर्नी बहुत लंबी नहीं चलती, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टेंस इसमें रखना नहीं पड़ता, आपके डिस्टेंस अपने आप शॉर्ट डिस्टेंस में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ प्यार को, एक दूसरे के साथ आपकी केयर को, और रिश्ते अच्छे होते जाते हैं। तो ये है रीडिंग आपकी पाल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस एनर्जी में आए, जो भी गलतियाँ हुई हैं एक दूसरे की उसको माफ़ करने की कोशिश करें, एक दूसरे को आप क्लोज लाने की कोशिश करें, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो भी साथ रहने की कोशिश करें, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें, तो रिश्तों को इस तरह से सुधारा जा सकता है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।